ये तंदूर वाला गोभी जो होता है बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। वैसे तो आप बाहर से खरीद के खा लेंगे, लेकिन कोशिश करें घर पर बनाकर खाएं। बहुत ही अच्छा, बहुत साफ़ सुथरे से बनाकर तैयार करेंगे। बहुत इजी तरीके से बताऊंगी किस तरह से बनाकर तैयार कर लेते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तंदूरी गोभी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज एक गोभी वाला सीजन में गोभी का रेसिपी लेकर आई हूँ। ये है चिली गोभी। इसमें ज़्यादा तेल खर्च ना करते हुए बहुत ही कम तेल में मैं बनाऊंगी ये चिली गोभी। बहुत ही मज़ेदार से बनकर तैयार होते हैं और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बनाने में भी इजी, खाने में बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं चिली गोभी। गैस पर रख लिए हैं कढ़ाई। अभी क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, नमक डाल लेंगे और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इसका जो गोभी को ऐसे उबालेंगे थोड़ा, इसका अंदर नमक और हल्दी का फ्लेवर अंदर तक चला जाए, इसलिए इसे डालकर 2 से 3 मिनट इसे उबाल लेंगे अच्छे से। ज़्यादा इसे नहीं उबालेंगे क्योंकि ये ज़्यादा उबल जाएगा तो ये अच्छे से तंदूरी ना हो नहीं पाएगा। इस गोभी को बस 2 से 3 मिनट उबालेंगे, ज़्यादा इसे नहीं उबालेंगे क्योंकि ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो ये बिखर जाएगा, तो इसलिए इसे 2 से 3 मिनट इसे थोड़ा सा सॉफ्ट होने देते हैं। उसके बाद इसे छान लेंगे, इसे ढक कर नहीं पकाएंगे क्योंकि ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा बिल्कुल भी इसे नहीं ढकेंगे, इसे आप उबलने देते हैं। ये 2 से 3 मिनट अच्छे से उबल के तैयार हो चुका है। अब इसी समय में गैस बंद कर लेंगे, इसे ज़्यादा और नहीं पकाएंगे क्योंकि ये टूट के बिखर जाएगा। अब इसे छान लेते हैं। ये कढ़ाई के ऊपर एक स्ट्रेनर रख चुकी हूँ। अब इसे इस गोभी को डालकर इसे छान लेंगे। अब इसे छान कर इसका मसाला तैयार करेंगे। अब इसे छान कर ठंडा होने के बाद इसे मसाले में कोट करेंगे। अब गोभी को ठंडा होने दीजिए, इसका मसाला तैयार करेंगे। लेंगे पहले दही, घर का जमा हुआ दही है, इसे थोड़ा छान कर लेंगे। ज़्यादा पतला हो जाएगा तो ये बिल्कुल भी अच्छा कोट नहीं होगा। अब इसमें मसाले डालेंगे, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये रेगुलर लाल मिर्च है, इसका पाउडर, चटपटा सा स्वाद देने के लिए ये चाट मसाला, नमक स्वाद अनुसार, अब मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से लेना, 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, रोस्टेड बेसन, 2 से 3 चम्मच कसूरी मेथी। अब इस तेल को क्या करो, ये सरसों का तेल है, इसे थोड़ा गरम करके इसमें डालेंगे। तड़का पैन में मैं डालकर इसे अच्छे से गरम होने देती हूँ, गरम करके इसमें डाल लेंगे। ये सरसों का तेल अच्छे से धुएँदार गरम हो चुका है, अब इसमें डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी से ही तंदूर का अच्छा फ्लेवर आता है। और इसमें थोड़ा देंगे ये, और इसमें थोड़ा स्मोकी फ्लेवर भी देंगे। ये तंदूर तो हमारे पास नहीं है, तो इसी तरह से तंदूर का फ्लेवर इसमें आएगा। तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके ये गोभी को ऐड कर लेंगे। सारे गोभी को डाल चुके हैं। अब इसे क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आहिस्ता से मिक्स करेंगे क्योंकि ये टूट के बिखर जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता इसे इस तरह से कोट कर लेंगे, इसके ऊपर में अच्छे से कोट होके तैयार हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। अब इस तरह से इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसका सेंटर में थोड़ा इस तरह से गैप कर लेंगे और सिल्वर फॉइल रख लेंगे, इसमें स्मोकी फ्लेवर देंगे। इसमें कोयला रखकर स्मोकी फ्लेवर देंगे। इसके अंदर में थोड़ा रख लेंगे जलता हुआ कोयला और इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर लेंगे और इसे ढक लेंगे।
ढककर इसका ये जो स्मोकी फ्लेवर होगा ये इसका अंदर में समा जाएगा, तो ये अच्छा फ्लेवर बनके तंदूर वाला फ्लेवर बनके तैयार होगा। इसे बिल्कुल भी 20 से 30 सेकंड रखेंगे तो ये अच्छे से बनके तैयार हो जाएगा। 30 से 40 सेकंड हो चुके हैं, ये अच्छे से स्मोकी फ्लेवर इसका अंदर में अच्छे से होकर तैयार हो चुका है। ये सिल्वर फॉइल को हटा लेंगे और इसे थोड़ा हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। गोभी हमारा थोड़ा सॉफ्ट है तो इसे क्या करेंगे, मेरे पास इस तरह से माइक्रो ओवन वाला स्टिक है, तो आपके पास जिस तरह से हो तो उस तरह से उसी में ही इसे बनाकर तैयार करेंगे। इसे क्या करेंगे, इसे स्टिक में इसी तरह से लगा लेंगे। इसे इसमें जितना आ सके उतना लगाकर तैयार करेंगे। इसी तरह से इसे बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे से बनके तैयार होगा और इसे गैस पर इसे रोस्ट कर लेंगे अच्छे से। इसमें भी लगा लेंगे, इसी तरह से आप भी बनाएं। बहुत ही बिना तंदूर का तंदूर फ्लेवर वाला ये गोभी हमारा बनके तैयार होगा, बहुत ही मज़ेदार वाला बनके तैयार होता है। इस तरह से आप भी ज़रूर बनाएं। आप चाहें तो इसी तरह से आप डायरेक्ट ही इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। आपके पास अगर किसी तरह का इसी तरह ये स्टिक हो तो आप इसे बनाकर तैयार करेंगे, वरना ये और एक तरीका दिखाऊंगी उस तरह से भी बनाकर तैयार करेंगे। इसे आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से रोटेट कर लेंगे चारों तरफ से, ये अच्छे से रोस्ट होकर तैयार होगा। बिना तंदूर का तंदूर वाला फ्लेवर में गोभी बनाकर तैयार करेंगे, बहुत आसान तरीका है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बन गया तैयार होता है। इस तरह से इसे रोस्ट कर लेंगे। और एक तरीका इस तरह से बताऊंगी कि इस तरह का इस प्रकार का जब आपके पास स्टैंड हो तो इसका ऊपर भी थोड़ा लगा कर तैयार कर लेंगे। इसे अच्छे से भूनने के लिए रोस्ट करेंगे अच्छे से, इसका ऊपर इस तरह से डायरेक्ट भी रख सकते हैं। इसी तरह से इसे घुमा घुमा कर इसे आहिस्ता आहिस्ता करके अच्छे से भून कर तैयार कर लेंगे, अच्छे से रोस्ट करके तैयार कर लेंगे। इस तरह से करने पर बहुत आसान तरीके से हो जाता है। मैं और इस तरह से रख लूँगी और इसी तरह से इसे भी रोस्ट करके तैयार कर लूँगी। अब इसे घुमा घुमा कर अच्छे से रोस्ट करके तैयार कर लेंगे। इसे ये काम जो है देख संभल कर इसे करेंगे क्योंकि हाथ जल सकता है, तो इस तरह से इसे घुमा घुमा कर अच्छे से रोस्ट करके तैयार कर लेंगे। सारे गोभी रोस्ट होके तैयार हो चुके हैं, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब इसे थोड़ी सी स्लाइसेस प्याज, प्याज में थोड़ा चाट मसाला डालेंगे और उसमें नींबू के साथ में इसे परोस लेंगे चिली। इस पतले पतले प्याज इसे काट कर तैयार कर चुकी हूँ, इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा चाट मसाला। अब इसे मिला लेंगे, इसे प्याज के साथ में इसे परोसेंगे। बहुत ही मज़ेदार लगता है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। और इसमें थोड़ा सा नींबू ऐड करेंगे, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप नींबू निचोड़ कर भी इसे खा सकते हैं।
तरह से सर्व कर लेंगे। देखिए कितना यम्मी वाला गोभी, तंदूरी गोभी बन के तैयार हो चुका है। आई होप मेरे वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरे वीडियो को आप फुल वॉच करते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। मेरे चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब करके जाएं। मिलती हूँ और एक नई डिश के साथ और एक नई रेसिपी लेकर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।